इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक, इसकी जानकारी मिल रही है। और दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की ये जो बैठक है वो शाम 4 बजे होगी, ये भी जानकारी सामने आई। तो जगह और समय सामने आ गया है, दिल्ली में बीजेपी के महासचिवों की बैठक होगी शाम 4 बजे। दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। एक तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी है, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से आज की यह बैठक किस रूप में अहम हो जाती है, बीजेपी महासचिवों की बैठक। नीरज, बहुत महत्वपूर्ण है रुमाना, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, और उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू होनी है जिसमें भारत के करीब करीब 3 से 4 करोड़ लोगों को राम मंदिर का दर्शन कराना है, और ऐसे में हर बूथ से 2 से 4 लोगों को लेके जाना है राम मंदिर का दर्शन कराने। ऐसे में बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज जो बैठक है, इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन मुद्दों पर पिछले दिनों मीटिंग में एजेंडे तय हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बूथ स्तर से लोगों को निकालेगी, उनको ले जाएगी, उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनका ले जाना, ले आना, रखना, ठहराना, ये सारी जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। तो ऐसे में आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बैठक के तुरंत बाद 4 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष, सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े, ये 4 लोग तुरंत लखनऊ के लिए निकल जाएंगे और वहाँ से सीधे अयोध्या जाएंगे क्योंकि रात में आज एनी हाउ उनको अयोध्या पहुंचना है, और कल अयोध्या की तैयारियों को लेकर उनकी मंदिर निर्माण समिति और संघ के कुछ पदाधिकारियों के साथ भी एक बैठक है, चूंकि भाजपा उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। आप रहिए मेरे साथ कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि अयोध्या में 10 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक, मतलब कल ये बड़ी बैठक जिसके बारे में अभी जानकारी नीरज भी दे रहे थे, इनसे अभी विस्तार से और समझेंगे इस खबर के बारे में। दर्शन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की यह बैठक होगी, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक में शामिल होने वाले बड़े नेता आज रात 9 बजे ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल शिरकत करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। एक बार फिर से नीरज का रुख करते हैं, यही वो खबर थी जो आप जोड़कर उस वक्त बता रहे थे नीरज, अब जरा विस्तार से इस खबर के बारे में बताइए। जी बिल्कुल रोमाना, यही ये वो खबर थी कि रात में आज 9 बजे तक पहुंचना है इन 4 नेताओं को अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक है जिसमें संघ के पदाधिकारी भी रहेंगे, चंपत राय भी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष, संगठन मंत्री रहेंगे। तो जिले के मतलब बाद में ये मार्च तक जो बीजेपी की तरफ से फैसिलिटेट किया जाएगा अयोध्या में श्रद्धालुओं को लेकर जाने का कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। बिल्कुल, वो भी रूपरेखा तय होगी, प्लस 22 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और भाजपा के तमाम बड़े लीडर्स वहां मौजूद रहेंगे। देश भर से 7,000 से ज़्यादा गेस्ट को बुलाया गया है जिनको रहने ठहराने, उनको प्रोटोकॉल देना, एयरपोर्ट से रिसीव करना, एयरपोर्ट से लेके जाना, उनको कहाँ ठहराया जाएगा, कैसे ले जाया जाएगा, मंदिर में कैसे पहुँचेंगे, बैठने की कैसी व्यवस्था की जाएगी, इन सभी विषयों में लोग लगेंगे। सरकारी अमला जमला जो है वो उतना काफ़ी नहीं होगा, इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता वॉलंटियरी काम करेंगे वहाँ पर, और वो इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। मेरे ख्याल से इस पूरी व्यवस्था के लिए वॉलंटियर्स के तौर पर तो विश्व हिंदू परिषद के अपने कार्यकर्ता और आरएसएस के अपने कार्यकर्ता, उनकी भी संख्या की कोई कमी नहीं है। खैर, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।